हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव कम अगेन विद अनदर टॉपिक। सो फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग अबॉर्शन। इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड थ्रेटन्ड मिसकैरेज एंड नाउ आई हैव कम विद अ न्यू टॉपिक नोन एज इनएविटेबल मिसकैरेज। इनएविटेबल मिसकैरेज भी स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का एक टाइप है जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इनएविटेबल मिसकैरेज। इट इज़ अ क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। दैट इज इनएविटेबल मिसकैरेज का मतलब वो वाली स्टेज होती है जिसमें चेंजेस उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर अब प्रेगनेंसी की कॉन्टिन्यूएशन इम्पॉसिबल है। अब ये प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्शन में ही टर्मिनेट करेगी। देर आर नो चांसेस कि ये प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यू कर सके। वेयर एज हमने जो थ्रेटन्ड मिसकैरेज में पढ़ा था दैट वॉज अ टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट, जिसमें चांसेस थे अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करी जा सकती है। बट इनएविटेबल मिसकैरेज एज द नेम सजेस्ट इनएविटेबल, जिसका मतलब है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे बच सकें या कोई भी चांसेस हो प्रेगनेंसी के कॉन्टिन्यूएशन के। आगे पढ़ते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आती है वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग इज अगेन द करेक्टरिस्टिक फीचर जिस वजह से वुमेन को लगता है कि देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस इन हर प्रेगनेंसी। सो इन दिस केस देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना एज कम्पेयर टू थ्रेटन्ड मिसकैरेज। द पेन इज ऑल्सो ऑफ सीवियर टाइप। सीवियर कॉलिकी एब्डोमेन इज देयर, स्पेसिफिकली वी कैन से इन द लोअर एब्डोमेन। नेक्स्ट कम्स इज एग्जामिनेशन। हम एग्जामिनेशन क्या करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू इन द थ्रेटन्ड मिसकैरेज एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड इफ़ वी हैव अल्ट्रासाउंड अवेलेबल। बट अगर हम एग्जामिनेशन करते भी हैं तो उसमें स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट दी जो इंटरनल ओस है वो डायलेटेड रहेगी, थ्रू विच जो हमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है दे कैन बी फिल्ड। जब हम यूएस करते हैं यानी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड से हमें मटेरियल इकोजेनिक साउंड्स की रिफ्लेक्शंस हमें मिल सकती है मटेरियल से, प्लस में जो हार्ट बीट है इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में हार्ट बीट इज नॉट प्रेजेंट है, वी कैन नॉट हियर हार्ट बीट इन अल्ट्रासाउंड। देन कम्स इज मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द एम ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हमें किसी भी मैनेजमेंट का एम पता चल जाए तो उस मैनेजमेंट को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि इनएविटेबल मिसकैरेज है सो प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, तो हमारी मैनेजमेंट रहेगी क्या, हमारा एम क्या रहेगा जिससे कि हम जो प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन है उसे एक्सेलरेट करें। सो दैट जो ये कंडीशन है ये सेप्टिक अबॉर्शन में टर्मिनेट ना हो जाए, विच कैन बी फेटल टू द मदर, एंड of course to maintain strict asepsis. तो ये दो चीज़ अचीव करने के लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये दो चीज़ अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो ब्लीडिंग हुई है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें वजाइनल ब्लीडिंग बहुत हाई अमाउंट में होती है, तो वी हैव टू चेक कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है देन इट शुड बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज द पर्सन मे शिफ्ट टू अनीमिया जो कि अगेन फेटल हो सकती है। अगेन अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है और फीमेल काफ़ी लेट आई है उस केस में अगर हमें इंट्रावेनस फ्लूड थेरेपी देनी पड़े या फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़े तो वो भी नेसेसरी होता है इस टाइप में। नेक्स्ट कम इज़ एक्टिव ट्रीटमेंट। अब हम इस प्रोसेस का एक्टिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे। नाउ एक्टिव ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइम पे किस सिचुएशन में वुमेन हमारे पास आएगी। सो अगर जो वुमेन है वो 12 वीक से पहले आई है, यानी जो उसको इनएविटेबल मिसकैरेज के जो भी कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो भी हमने यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स पढ़े वो 12 वीक से पहले आए हैं, तो उस केस में हमारा क्या प्रोसेस हमारा क्या रहता है कि हम डीएनई करते हैं। व्हाट इज डीएनई। डीएनई इज डायलिटेशन, यानी जो सर्वाइकल लॉस क्लोज थी उसकी डायलिटेशन कराना, और इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मीन्स जो भी मटेरियल जो भी डेड फीटल मटेरियल प्रेजेंट है यूट्रस में उसे इवैक्यूएट करना।
इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीजिया एंड यूट्राइन कैविटी की क्यूरेटेज करी जाती है. नाउ कम्स आफ्टर 12 वीक्स. अगर ये जो कंडीशन है ये 12 वीक्स के बाद हो रही है तो फिर ये कोशिश की जाती है कि मिनी लेबर इंड्यूस किया जाए. मिनी लेबर कैसे इंड्यूस किया जाता है? जनरली ऑक्सीटोसिन की ड्रिप्स लगाई जाती है. ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. उस वजह से एक मिनी लेबर प्रोड्यूस होती है और जो भी मटेरियल है वो अपने आप एक्सपेल हो जाता है. उसके बाद अगर इफ़ द डॉक्टर फील्स कि डीएनए की ज़रूरत है फॉर द क्लीनिंग पर्पस, देन वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है. सो ये था हमारा इनएविटेबल मिसकैरेज. कंप्लीट मिसकैरेज. व्हाट इज कंप्लीट मिसकैरेज? व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड एन मासे, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज. यानी जिस कंडीशन में सारे प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इंक्लूडिंग फिटस, उसकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा एट्सेट्रा सब एक साथ एक्सपेल हो जाए, उसे कहते हैं कंप्लीट मिसकैरेज. नाउ इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पेशेंट विल गिव यू हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास. पेशेंट बताएगा कि कोई फ्लैशी मास जैसा स्ट्रक्चर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम वजाइना. नाउ जितने भी हमारे दूसरे सिम्टम्स थे जो हम दूसरे मिसकैरेजेस में देख रहे थे, वेदर इट वॉज ब्लीडिंग या पेन, वो सब अब सबसाइड हो चुके होंगे. जो ब्लीडिंग होगी वो मे बी पॉसिबल बट ओनली इन ट्रेस अमाउंट्स. जो पेन है अगेन वो सबसाइड हो चुका है. देन कम्स द एग्जामिनेशन. इस केस में एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी. सो इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूट्रस का साइज है वो मार्कली रिड्यूस हो चुका है. यूट्रस फर्म हो चुकी है. जो हमारा सर्वाइकल ओस है वो भी क्लोज्ड है. एंड देयर आर ट्रेसेस ऑफ ब्लीडिंग. व्हेन वी डू द अल्ट्रासाउंड और वी शुड से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, देन व्हाट वी ऑब्जर्व इज द यूट्राइन कैविटी इज एम्प्टी. यूट्रस में कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है क्योंकि जितने भी एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन था वो सब एक्सपेल हो चुके हैं. और जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो भी काफ़ी थिक है. इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? अगेन इसका कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ऑल्दो मिसकैरेज कंप्लीट हो चुका है, सारे प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल हो चुके हैं. तो इसमें हमें सिर्फ यही देखेंगे कि जब हमने TVS किया था अगर उसमें कुछ ट्रेसेस प्रेजेंट है, ट्रेसेस ऑफ फीटस प्रेजेंट है, तो उस केस में डॉक्टर माइट ऑफ DNC. अदरवाइज इसका और कोई मैनेजमेंट नहीं है. अगर वुमेन को ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है तो वी कैन चेक फॉर एनीमिया. उसको IV दे सकते हैं, IV फ्लूड्स, और अदरवाइज नहीं. सो इसका मैनेजमेंट सिर्फ इतना सही है. सो आज ही हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. थैंक यू.